फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम मसाला दाल बना रहे हैं, अलग तरीके से बना रहे हैं, तो अभी हम देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए है तुवर दाल, मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल और मूंग दाल, इस तरह से मैंने लिया है। तो अभी इसे हम डालते हैं कुकर में, हमें कुकर में ही इसे पकाना है। तो ये देखिए, अभी इसे हमने कुकर में डाल दिया है। ये देखिए, अभी इसे मैं 5-6 पानी से धो लेती हूँ। अभी देखिए, 3-4 पानी से इसे धो लिया है। तो इसमें डालते हैं नमक, हल्दी, तेज पत्ता, प्याज और टमाटर, लहसुन, ब्लैक पेपर और लौंग। तब इसे हम पहले चला लेते हैं। अभी इसमें डालेंगे पानी। अभी इस तरह से हमने पानी डाल दिया है। अभी इसमें डालते हैं घी। घी या तेल आपको जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं, इससे टेस्ट भी बढ़ेगा और जो पानी है वो कुकर के बाहर नहीं आएगा। घी डालोगे तो और भी बढ़िया सा टेस्ट देगा। देखिए, अभी इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अभी करते हैं इसे कवर। और अभी चलते हैं गैस की तरफ। देखिए, स्लो टू मीडियम आंच पे इसे हमें 3 विसल करना है। आपके यहाँ जैसे भी कुकर के सीटी होते हैं इसी तरह से आपको करना है। तो मैं 3 सीटी लगा के ठंडा हो जाने के बाद फिर से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 3 विसल हो गए हैं। ये देखिए, दाल हमारी प्यारी सी बन गई। ये देखिए, एकदम परफेक्ट हो गई है। और मैंने जो पानी डाला था वो परफेक्ट है। अभी हम एक्स्ट्रा पानी इसमें डाल सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। इसके पहले हम पहले मसाला बना लेते हैं। मैंने लिया है 4 टेबल स्पून जितना दही, इसके साथ लिया है 2 टेबल स्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जितने गर्म मसाला और हींग। नमक हम टेस्ट करके डालेंगे, पहले हमने डाला है तो हम बाद में डालेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे। अभी इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, हल्दी भी हमने पहले डाली है तो इसलिए मैं अभी हल्दी भी नहीं डालूंगी। थोड़ा सा इसमें पानी हम ऐड कर देते हैं ताकि हम जब तक प्याज वो करते तब तक ये फूल जाए अच्छी तरह से मसाला, तो और भी बढ़िया सा टेस्ट देगा। ये देखिए, अभी इसे हमने बना दिया है। तो अभी इसे रखते हैं साइड पे और चलते हैं गैस की तरफ। अभी कढ़ाई हमने रख दी है, इसमें डालते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। अभी इसमें डालते हैं 1/2 टी स्पून जितनी राई। राई को हम अच्छी तरह से क्रैकल होने देते हैं। इसमें डालते हैं 1 सूखी लाल मिर्च, साथ में 1 प्याज और 2-3 लहसुन। अब इसे अच्छी तरह से भुने देते हैं। देखिए, प्याज हमारे ट्रांसफर जैसे हो गए हैं, तो हमने जो दही वाला मसाला बना है वो डाल देते हैं। गैस का फ्लेम करेंगे लो और इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे। इसे अभी हम चलाते रहेंगे क्योंकि हमने दही डाला है ना। ये देखिए, ऑयल भी ऊपर आ रहा है, तो हम इसे चलाएंगे वापस। इसकी खुशबू आने तक हम इसे भूनेंगे। अब इसमें हमने जो दाल बनाई है वो डाल देते हैं।
इसी में हम कुकर में पानी डाल के पूरा इसको निकाल देते हैं। अभी देखिए हम दाल में पानी डालते हैं और इसे हम अच्छी तरह से चला लेते हैं ताकि जो दाल है वो नीचे बिल्कुल भी ना चिपके। अभी इसमें आप नमक जितना डालना है, कम है ज़्यादा है टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें नमक डालेंगे। मैं इसे पहले टेस्ट कर लेती हूँ। इसमें नमक कम है तो हम इसमें ऊपर से डालेंगे, अगर कम है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा हो गया है तो वापस इसमें आपको नींबू या ऐसा कुछ डाल के इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मीन्स पहले ही थोड़ा सा नमक कम डालिएगा। अब इसमें डालते हैं कसूरी मेथी, इससे भी टेस्ट एकदम बढ़िया सा आएगा। अभी इसे हम उबालने देते हैं। देखिए दाल में उबाल आ रहा है और इसे हम एक मिनट तक रखेंगे। दाल हमारी बढ़िया तरीके से उबल गई है तो अभी हम करते हैं गैस का फ्लेम ऑफ। अभी इसे करते हैं सब। इस तरह से बनाएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और इस तरह से ज़रूर बना के देखेंगे तो इतनी बढ़िया से टेस्टी लगेगी। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।